मुझे भी सरकारी नौकरी चाहिए, पर मेरा पढ़ने में मन नहीं लगता, मैं क्या करूं? सवाल का जवाब है, अपने माता पिता का आशीर्वाद लो, क्योंकि आपको जो चीज़ें रोक रही हैं ना, वो आप हो, आपके अंदर की चीज़ें हैं। आपने जो गलत चीज़ें अपना ली हैं ना जीवन में, मौज मस्ती करना, आनंद लेना, दोस्तों के साथ घूमना, व्हाट्सअप करना, फेसबुक करना, इंस्टाग्राम करना, ये चीज़ें आपको रोकती हैं, ये चीज़ें आपका कल ख़राब कर रही हैं। क्योंकि आज का माहौल ही इस तरीके से बनाया गया है कि एक इंसान का पूरा जीवन इंटरनेट बर्बाद कर दे। आप इंटरनेट का सही यूज़ नहीं कर पाते हैं, आपको जो चीज़ देखना है वो नहीं देख पाते, जो चीज़ नहीं देखना उसको देखते चले जाते हैं। कभी आप अपने व्हाट्सअप का, कभी आप अपने यूट्यूब का, कभी आप जो भी यूज करते हैं उसका हिस्ट्री चेक करना और देखना, आपने जो चीज़ करना था क्या वो किया? नहीं, बल्कि उससे कई गुना ज़्यादा टाइम आपने किसी और चीज़ों में बिता दिया। तो आप कैसे मेरे भाई पढ़ोगे, कैसे कैसे सरकारी नौकरी लोगे? क्या ये हलवा है कि सूजी खरीद के लाए और बनाया और खा के ले लिए? नहीं मेरे भाई, नहीं। दिन रात एक करना पड़ेगा, दिन रात एक करना पड़ेगा, इतना मेहनत करना पड़ेगा, इतना मेहनत करना पड़ेगा कि भूख प्यास भी भूल जाओगे कि क्या होती है भूख, क्या होती है प्यास। मेहनत बहुत करना पड़ेगा, इस मेहनत से पीछे भागोगे तो कभी सरकारी नौकरी नहीं लगेगी। सरकारी नौकरी मांगती ही मेहनत है, जिसने इस मेहनत को किया उसको ये सरकारी नौकरी मिल गई, जिसने इस मेहनत को किया उसको ये सरकारी नौकरी मिल गई। इस मेहनत को ही आपको पकड़ना है। क्या हुआ, आपको समझ नहीं आता? आप 10 बार उस चीज़ के पीछे पड़े, एक दिन आएगा जब सारी चीज़ें आपको समझ में आने लगेगी। इसलिए मेरे दोस्त, दिन रात सुबह शाम जब आपका मन करे शुरू हो जाइए, क्योंकि इससे अच्छा समय आपको कभी नहीं मिलेगा पढ़ने का। जय हिंद।